घायल हुए पिंटू बर्मन की हालत 30 घंटे बाद भी नहीं सुधरी है। अभी भी वह वेंटिलेटर में है और उसे होश नहीं आया है। पिंटू बर्मन की मां भी सदमे में है। चार बहनों के बीच एक भाई पिंटू गुरुवार को तड़के जब घर के बाहर खड़ा हुआ, तभी शराब के नशे में धुत कार चालक ने टक्कर मार दी थी। पिंटू अभी भी वेंटिलेटर में है। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। घटना के बाद परिजन सहित दोस्त गंभीर हालत में पिंटू को लेकर रांची थाने पहुंचे, पर पुलिस ने कार्यवाही को लेकर घंटों लगा दिए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश भी नहीं की। हादसे में घायल परिजनों के बयान दर्ज करने और FIR में पुलिस ने 12 घंटे लगा दिए। करीब 5 साल पहले पिंटू के पिता का देहांत हो गया था। चार बहन और माँ का एकमात्र सहारा पिंटू ही है। प्राइवेट जॉब कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला पिंटू अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। शराब के नशे में धुत सड़क किनारे पिंटू बर्मन को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने वाले कार चालक का नाम कार्तिक कोतवाल है। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें शराब की बोतल के साथ धारदार हथियार भी मिले हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में सिर्फ हिट एंड रन के केस दर्ज किया है, जबकि कार से धारदार हथियार भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि कार चालक शराब के नशे में धुत होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। पिंटू बर्मन की बहन अलका बर्मन ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। अलका ने बताया कि वह चार बहनें हैं। दो बहन ज्योति और प्रियंका की शादी हो गई है, जबकि माँ ज्योति के साथ में और छोटी बहन रीना रहती है। उन्होंने बताया कि जिंदगी और मौत से जूझ रहा पिंटू पर ही परिवार को पालने की जिम्मेदारी है। चार बहनों में से दो बहन की शादी हो गई है, जबकि दो बहन और माँ साथ में रहती है।